Hello, good morning students. Welcome to Learn India Video YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका एक नई क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज एल्कोहल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में, या मैं कहूं आपसे कि एल्कोहल्स को कैसे बनाया जाता है. ठीक है, लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्कोहल को बनाने की दो रिएक्शंस कौन कौन सी हैं. एल्कोहल को बनाने की दो रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट थी आपकी बाई एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑन एल्कीन, और सेकंड थी आपकी बाई हाइड्रोबोरेशन ऑन एल्कीन. मतलब हम एल्कीन से भी एल्कोहल बना सकते हैं. ठीक है, तो एल्कीन से हम दो तरह से एल्कोहल बनाते हैं. आइए देखते हैं. हमने लास्ट ये दो रिएक्शंस डिस्कस कर चुके हैं. हम लास्ट क्लास में दो रिएक्शंस डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट रिएक्शन बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑन एल्कीन, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, और सेकंड रिएक्शन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑन एल्कीन, ये रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, आज हम थर्ड रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. कार्बोनिल कंपाउंड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हैं, तो इससे भी एल्कोहल बन सकता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है या कार्बोनिल कंपाउंड है. कार्बोनिल कंपाउंड आप सभी जानते हैं जिनमें सीओ ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, इन्हें आप एलडीआईडी कीटोन से भी कह सकते हो. ठीक है, तो सीओ ग्रुप की रिएक्शन मैं करवाता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं आरएमजीएक्स के फॉर्म में. आरएमजीएक्स, इसको हम कह सकते हैं एल्किल, आर हो गया एल्किल मैग्नेशियम, एल्किल मैग्नेशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नेशियम हैलाइड, इसी को हम कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कार्बोनिल ग्रुप से करवाएं, कार्बोनिल कंपाउंड से करवाते हैं, क्या होगा इसमें? ठीक है, देखते हैं हम क्या होगा. यहां ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप पे जो ऑक्सीजन होता है ये कार्बन के कंपैरिजन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर लेकर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से हमेशा याद रखें मेटल्स ऑलवेज पॉजिटिव, मेटल जो है पॉजिटिव होती है हमेशा, तो Mg पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो R है जो एल्किल ग्रुप है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होगा और Mg पॉजिटिवली चार्ज होगा. ठीक है, अब ये रिएक्शन होती है. यहां रिएक्शन कैसे होगी, अब आपके जो R- है, R- तो चला जाएगा C+ के पास, R- तो जाएगा C+ के पास. ठीक है, और Mg प्लस एक्स जो है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये आपका आ जाएगा O माइनस पर. तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी कि C C प्लस पर तो आ जाएगा आपका R माइनस, R माइनस, और O माइनस पर आ जाएगा Mg प्लस एक्स. Mg जो मेटल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. ठीक है, अब इस कंपाउंड का ये जो बना है बीच में, हम इसको कह सकते हैं यहां हुआ क्या है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, पाई बॉन्ड टूटा है, डबल बॉन्ड टूटा है. डबल बॉन्ड के टूटने से दो ग्रुप जो हैं इन कार्बन और ऑक्सीजन पे आके एड हो जाते हैं, तो ये एडिशन प्रोसेस हुआ है. यहां पे एडिशन रिएक्शन हुई है, यहां एडिशन रिएक्शन हुई है. एडिशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम कहेंगे एडक्ट. ये आपका बना है यहां एडक्ट. ठीक बेटा, ये बना है आपका एडक्ट. अब इस एडक्ट का हम क्या करते हैं, इस एडक्ट का हम आगे हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे किया जाएगा. जैसे हम इस एडक्ट को वाटर मॉलिक्यूल के साथ थोड़ा गर्म करते हैं, वाटर के साथ इसको थोड़ा गर्म करते हैं, हीट करते हैं. ठीक है, तो एच टू के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे. अब यहां क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन एटम है ओएच ग्रुप है, ओएच ग्रुप आपको पता है ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होगा और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ठीक है, अब क्या होगा, ये O- और Mg+ इनके बीच का जो बॉन्ड है ये टूटता है. कैसे, O- के साथ तो अटैच हो जाएगा H+ और Mg+ पे अटैच होगा आपका OH-, ये OH- आ जाएगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां इस रिएक्शन में MgxOH बाहर निकलेगा, MgxOH एक बाई प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, R के साथ C दो बॉन्ड फ्री और OH, R C पर दो कार्बन फ्री और दो बॉन्ड फ्री होंगे OH. ठीक है, प्लस क्या बनता है Mg, एक तरफ X और एक तरफ OH, तो ये आपका एल्कोहल प्रोडक्ट यहां बनेगा. ठीक है, ये जो एल्कोहल है ये आपका 1 डिग्री भी हो सकता है,
ये आपका 2 डिग्री भी हो सकता है और ये आपका 3 डिग्री भी हो सकता है। जो अल्कोहल प्रोडक्ट यहाँ बना है ये 1, 2, 3 डिग्री कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप यहाँ कार्बोनिल ग्रुप कौन सा लेते हो। ठीक है, आप कार्बोनिल ग्रुप कैसा लेते हो, अब जैसे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, अगर कार्बोनिल ग्रुप में फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर आपने एल्डिहाइड में कोई अदर एल्डिहाइड जैसे एसिड एल्डिहाइड ले लिया है, कोई अदर एल्डिहाइड यूज किया है तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो यहां आपको एसीटोन या कोई कीटोन यूज करना पड़ेगा। 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो आपको कोई कीटोन या एसीटोन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करेंगे तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एसिड एल्डिहाइड का यूज करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और एसीटोन का यूज करेंगे तो एसीटोन का यूज करने से हमको यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका फॉर्मेल्डिहाइड यूज करने से क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हो HCOH, इस फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आप रिएक्शन करवाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMGX, ठीक है, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई सा भी, अब यहां क्या होगा, यहां ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस चार्ज, सी पे प्लस चार्ज, यहां कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, एमजी पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां से, जो आर माइनस है, ठीक है, जो यहां आर माइनस बना है ये आर माइनस तो आ जाएगा आपका सी प्लस पे, और ये एमजी प्लस एक्स जो है ये आ जाएगा ओ माइनस पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है, ये दोनों H जो कार्बन पे अटैच है इनको आप लिख सकते हैं, यहां C पे आ जाएगा आपका R, O माइनस पर आपके अटैच हो जाएगा Mg प्लस एक्स, O माइनस पर आपका आ जाएगा Mg प्लस एक्स ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हम हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, इसको हम आगे हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कैसे होगा हाइड्रोलाइसिस, यहां आपको पता है ये OH माइनस बनेगा, ये H पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, H प्लस आ जाएगा O माइनस के साथ और OH माइनस आ जाएगा Mg प्लस के साथ OH माइनस होगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट यहां से निकल जाएगा MgxOH। ठीक है, और ये प्रोडक्ट RCH2OH, प्रोडक्ट क्या बनता है आपका RCH2OH प्लस बाई प्रोडक्ट बनेगा MgxOH, तो ये बनता है आपका 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। कैसे बना, जब आपने यहां यूज किया है फॉर्मेल्डिहाइड, यहां आपने यूज किया है फॉर्मेल्डिहाइड और यहां आपने लिया है कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इससे आपको यहां 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अगर मैं यहां इसी रिएक्शन में थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, मान लीजिए हम इस रिएक्शन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, हम यहां फॉर्मेल्डिहाइड में हम क्या करें, यहां CH3 यूज कर ले, जैसे CH3 CH3COH, हम फॉर्मेल्डिहाइड के बजाय कोई अदर एल्डिहाइड यूज कर ले, मान लीजिए हमने एसिटल्डिहाइड यूज किया है। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R की जगह आप कोई सा भी कार्बन ग्रुप ले सकते हैं, मान लीजिए हम यहां यूज करते हैं CH3MgBr, तो यहां क्या होगा, CH3 पे माइनस चार्ज होगा, मेटल पॉजिटिवली चार्ज होगी, O माइनस चार्ज होगा, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अब आपको आ चुका है ये प्लस और माइनस कैसे आ रहा है, ये रिएक्शन होगी, क्या होगा इसमें, जो CH3 माइनस ग्रुप है ये तो अटैक करेगा कार्बन एटम पे जहां पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और O माइनस पर कौन अटैक करेगा, Mg+Br, ये O माइनस पे जाएगा, तो प्रोडक्ट इससे, बाई प्रोडक्ट इससे क्या बन सकता है। ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3- आएगा C प्लस पे और Mg+Br आएगा O माइनस पे, तो यहां बनता है CH3, C पर एक हाइड्रोजन और इस पे ये CH3, जो CH3- है इसी C प्लस पे आएगा, तो CH3 आगे O माइनस के साथ Mg+Br। ठीक है, ये एडक्ट बन जाएगा यहां पे।
अब इसका आगे हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे वाटर के साथ, थोड़ा गर्म करके इसमें। अब क्या होगा, यहां से ये OH माइनस बनेगा, ये H पॉजिटिव बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसा कि सभी रिएक्शंस में इनमें हो रहा है, सब में सिमिलर पैटर्न चलेगा। O माइनस के साथ आप H प्लस अटैच कर दें, Mg प्लस के साथ आप OH माइनस अटैच करें, ठीक है। तो यहां Mg, Br, OH ये बाहर रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा CH3CH3OH प्लस क्या बनता है, प्लस MgBrOH, ठीक है बेटा। तो यहां जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, यहां जो हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3CH3OH, ठीक है, ये आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो एक तरह से 2 डिग्री एल्कोहल होता है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन की 2 वैलेंसीज पे एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी एल्कोहल यहां बनता है। मतलब अगर आप एसिटाल्डिहाइड का यूज करते हो, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपका GR या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एसिटाल्डिहाइड से जब रिएक्शन करवाते हो तो आप 2 डिग्री एल्कोहल बनाते हो। अगर हम एसिटाल्डिहाइड के बजाय एसीटोन का यूज करें, अगर हम एसीटोन का यूज करते हैं तो यहां एसीटोन का यूज करने से आपको 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। कैसे मिलता है, इसी रिएक्शन में आप समझ सकते हैं। देखिए, ये जो एसिटाल्डिहाइड में आप इस कार्बन को, अगर इस हाइड्रोजन को आप CH3 बना देते हैं, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को आप यहां CH3 बना दें, ये आपका एसीटोन हो जाएगा। जब आप रेड कलर यहां देख रहे हैं तो ये आपका एसीटोन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप CH3 लगाते हैं तो ये भी आपका, ये आपका एक एडक्ट बन जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन आपका यहां CH3 के फॉर्म में आ जाएगा, CH3 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं होगा और CH3 आ जाएगा, तो ये आपका टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एसीटोन का यूज करेंगे तो इससे आपको 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप ये क्लास, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कार्बोनिल ग्रुप से करवाते हैं या कार्बोनिल कंपाउंड से करवाते हैं, ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।